हेलो एवरीवन, हाय। देखो देखो देखो, ये आलमा खेल रही है मेरी। हाँ, ये रही मेरी आलमा। हाँ, कहाँ है मेरी आलमा? ये रही, देख लो सर, देख लो। ढके 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 कैसे फूड खिला रही हूँ। ये बॉटल है उसकी, इसमें मैंने उसका फूड लिया है और उसको मिक्स करके फिर इसमें डाला है। ठीक है, चलो देखते आप इससे इसके यूज से आप कैसे बच्चे को इजीली खिला सकते हो। ठीक है, चलो चलो, मेरी गुड़िया रानी खाएगी अभी। हाँ, मेरी गुड़िया रानी खाएगी। इसे सिर्फ आपको धीरे धीरे यहाँ से प्रेस करना है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से सिर्फ धीरे धीरे उसको प्रेस करना है तो उसमें से आगे से चम्मच में फूड आएगा। हाँ, फिर बच्चे इजीली खा सकते हैं। हाँ, और उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, आसानी से उनके मुंह में चला जाता है फूड। हाँ, ये बहुत इजी है। ये आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और फर्स्ट क्राई के शॉप पर भी आपको मिल जाएगा। ये मैंने फर्स्ट क्राई में से लिया था। फर्स्ट क्राई शॉप में से लिया था। हाँ, जब भी स्ट्रॉलर लिया था उसके साथ ये भी लिया था। हाँ, और क्या क्या लिया था? नेल कटर लिया था, फिर मॉस्किटो आता है ना, मॉस्किटो बच्चे का जो अगर आप हाँ वो भी लिया था। गुड़िया रानी बड़ी शयानी, खाती दाना पीती पानी। गुड़िया रानी बड़ी शयानी। फिर आरू को कौन सी पोएम अच्छी लगती है? और मैकडोनल्ड हैड अ फन, ईया ईया यो, ईया ईया यो। और फिर हमने कौन सी पोएम बनाई है आरू के लिए? आरू आरू यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। आप देख रहे हो ना, इसमें बच्चे कैसे इजीली हंसते खेलते एंजॉय करते हुए खा लेते हैं खाना। हाँ, और वो जो स्टील का चम्मच, वो तो कभी आप यूज़ ही मत करना, क्योंकि वो क्या होता है, छोटे बच्चे की जो उसको दाढ़ होती है ना, उसमें वो लग जाए या कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसे ही स्पून यूज़ कर सकते जो उनको इजीली उनके मुंह में जा सके और वो लोग इजीली एंजॉय करते करते खा भी सके। ठीक है, हमारी आन्ना को तो ये चम्मच बहुत पसंद है। हाँ, हंसते खेलते हमारी आन्ना तो इसको एंजॉय करते करते खा रही है।
छः महीने का अगर बच्चा हो जाता है ना, तो उसको ये फूड देना आप स्टार्ट कर दो। बहुत ही अच्छा फूड है और इसमें दाल और चावल का जो पिसा हुआ मिक्स है तो वो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। दो टाइम आप दे सकते हो, दो दो चम्मच जैसा। उसमें तो उसमें जो लिखा है उस प्रकार से भी आप दे सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप अगर बच्चे को दिन में दो बार देना है तो दे सकते हो। तो इससे क्या बच्चे जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगते हैं तब उनकी डाइट भी बढ़ जाती है तो उनका दूध से पेट नहीं भरता है और वो फिर रोते भी है। तो फिर इस प्रकार का फूड अगर आप देते हो तो उनको अच्छा रहता है। देखो अरे आज हो गया खत्म, हमारी आन्ना का खत्म हो गया फूड। फटफट हमारी आन्ना ने तो फिनिश कर दिया, हमारी आन्ना ने तो फटफट फिनिश कर दिया फूड। देखो देखो हो गया फिनिश, देखा। चलो अभी यहाँ लेट जाओ, आरु अभी यहाँ लेट जाएगी। चलो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये बॉटल देख रहे हैं आप, इस पर लिखा हुआ है मिमी। हाँ तो आप ये इजीली, ये आप फर्स्ट क्राई से या बेबी हग में भी शायद मिलता है तो फर्स्ट क्राई से भी आप ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं फर्स्ट क्राई से, क्राई के शॉप पर से। ठीक है, ये ऐसे खुल जाता है, दिखाती हूँ आपको। देखो ये ऐसे खुल जाता है, इसमें आप डाल सकते हो बेबी का फूड और फिर इसको ऐसे करके आप लॉक कर सकते हो। फिर इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है आपको तो वो बच्चे का फूड यहाँ से आएगा, यहाँ से, और फिर उसके मुंह में आसानी से चला जाता है। और ये स्पून भी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी है और बच्चे आसानी से इसको एंजॉय करते करते खा भी लेते हैं। ठीक है, और इसका कैप है ये बोतल का, तो ये आप कैप इसको ऐसे बंद कर सकते हो। अगर उसने आधा खाया आधा छोड़ दिया तो इसको थोड़ी देर बंद करके रख सकते हो, फिर वापस से आप इसको खोल कर फिर आप वापस से फीड करा सकते हो। और कहीं ले जाना है आपको इसमें डालकर फूड तो आप ले जा सकते हो, इसको कैप को सिर्फ बंद कर देना है तो ये सील हो जाएगा और ये गिरेगा भी नहीं कुछ इसमें से और ये टाइट हो जाएगा। तो आप कहीं कैरी भी कर सकते हो, इसमें कुछ आप बेबी फूड ले जा सकते हो। ओके ठीक है, मिलती हूँ फिर बाद में, तब तक के लिए बाय।